दोस्तों देखिए 2024 खत्म होने में केवल 3 मंथ्स बचे हुए हैं। अगर आप इस 3 मंथ्स को अपने लाइफ का सबसे बेस्ट मंथ बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपने 3 मंथ्स को कैसे न्यूटिलाइज करना है, जिससे पूरे साल का रिजल्ट आपको इस 3 मंथ्स में ही दिख जाए। दोस्तों आप ये भूल जाइए कि आपके बीते हुए मंथ कैसे पार हो गए, आपने पिछले कई महीनों में क्या किया या फिर नहीं किया, उससे आपको कोई मतलब ही नहीं रखना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे आगे आने वाले जो 3 मंथ बचा हुआ है उसे मैं किस प्रकार से न्यूटिलाइज करूं, जिससे मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मंथ साबित हो। दोस्तों बहुत सारे लोगों को मतलब भी नहीं होगा कि इस 3 मंथ्स में मुझे कुछ करना है या फिर नहीं करना है, लेकिन आप अपने लाइफ के प्रति सीरियस है, अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों आप इस 3 मंथ्स को कैसे न्यूटिलाइज करना है, इसके लिए मैं आपको 10 रूल बताऊंगा, जिससे अगर आप इस 3 मंथ्स में रेगुलरली फ्लो कर लिए तो ये आपका लाइफ का सबसे बेस्ट 3 मंथ होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहला रूल है डिसअपीयर। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डिसअपीयर होने की। और दोस्तों डिसअपीयर मतलब होता है गायब होना। आपको इस 3 मंथ्स के लिए गायब होना पड़ेगा। गायब होने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी चल जाएं। गायब होने का मतलब ये है कि आप सिर्फ एक जगह रह के अपने टारगेट पर काम करें। जी हां दोस्तों, आप इस 3 मंथ्स के लिए इस दुनियादारी को भूल जाइए। आपको किसी से मतलब नहीं रखना, यहां तक कि अपने रिश्तेदारी से भी ज्यादा मतलब नहीं रखना है। वहां क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे आपको मतलब ही नहीं रखना है। इस 3 मंथ्स में बहुत ऐसी चीजें आने वाली जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करेंगे। तो अपने दोस्तों से भी उतना ही मतलब रखें जिससे आपका दोस्ती बने रहे, और आपको कहीं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस 3 मंथ्स के लिए सिर्फ आपको अपने आप से मतलब रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप बिना डिसअपीयर हुए अगर इस 9 महीने में कुछ कर लेते तो अभी तक कुछ कर ही लेते। आप इतने महीने में कुछ नहीं कर पाए तो आपको डिसअपीयर होना ही पड़ेगा। आपको सुबह से शाम तक सिर्फ अपने आप से ही मतलब रखना है, अपने टारगेट पे ही काम करना, ना कि किसी दूसरे के लिए अपने टाइम को वेस्ट करना है। आपका जो टारगेट है सिर्फ ओनली वन, उसी पे आपको फोकस करना है, ठीक है। ये है फर्स्ट रूल जो आपको इस 3 मंथ्स में फॉलो करना ही करना है। अगर आप डिसअपीयर हो जाते इस 3 मंथ्स के लिए और अपने टारगेट पर अगर सही ढंग से काम करते हो, आप इस 3 मंथ्स के एंड में अपने रिजल्ट को देखकर शॉक्ड हो जाओगे। दोस्तों दूसरा रूल है सेट क्लियर गोल। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपने गोल को सेटिंग करने की। आपने पिछले कई महीनों में अपने गोल को सेटिंग किया कि नहीं किया, इससे आपको मतलब नहीं है। अगर आपने अभी तक अपने गोल को क्लियर रूप से अगर सेट नहीं किया तो आपको इस समय जरूरत है कि अपने गोल को क्लियर रूप से सेटिंग करने की। अगर आपको अपने गोल का ही पता नहीं रहेगा तो आप किस चीज पे काम करेंगे। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि इस 3 मंथ्स में हमको क्या अचीव करना है। बहुत से लोगों का हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत से लोगों का हो जाता है अपना हेल्थ फिटनेस, और किसी का हो जाता है सोशल मीडिया। दोस्तों जैसे कि बहुत सारे आदमी का हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना, तो उसमें आप 100% दीजिए। किसी का ये होता है कि अपने बॉडी को एक अलग शेप में लाना है, इसके लिए उसको बहुत सारे चीजों का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसे कि उसको जंक फूड को छोड़ना पड़ेगा, उसको डेली वर्कआउट करना पड़ेगा, डेली अपने रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा अपने बॉडी के लिए। अदरवाइज अगर उस चीज का अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो उनका बॉडी अच्छी तरीके से नहीं बन पाएंगे। वो लास्ट में बोलेंगे कि मैंने 3 मंथ्स अपने ऊपर काम किया बट मेरे को कोई रिजल्ट नहीं दिखा। अगर आप सही ढंग से अपने बॉडी पर काम करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर दिखेंगे, 100% श्योर है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। दोस्तों बहुत सारे आदमी का टारगेट होता है कि मेरे को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो अपना 100% देना है, किसी स्किल्स पर देना, ना कि कोई रील बनाने पर दे रहा है, कोई मतलब उसका कोई कंटेंट ही नहीं है, जो मन से अपना मन में बनाते जा रहे हैं, उस तरह आप करेंगे तो आपका कोई स्किल्स भी बिल्डअप नहीं हो पाएगा। अगर आप इस 3 मंथ्स में एक अच्छा स्किल बिल्डअप करेंगे तो आपका ये लाइफ टाइम काम देगा। आपको शॉर्ट काम में आपको फोकस ही नहीं करना, आपको ये सोचना है कि मैं इस 3 मंथ्स में ऐसा क्या स्किल बिल्ड करूंगा जो मेरे आगे जाके भी ये स्किल मेरा काम दे। तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको अपने क्लियर गोल बनाना है कि आपको अचीव कौन सी करना है। दोस्तों अगर आपको डेस्टिनी का पता नहीं रहेगा तो आप उसको अचीव कैसे करेंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने गोल को क्लियर रूप से पहचानना। अगर आप अपने गोल को क्लियर रूप से पहचान लोगे तो उसे अचीव करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको अपने गोल का ही पता नहीं रहेगा तो आप किस चीज को अचीव करोगे। तो ये दूसरा रूल है कि आपको अपने गोल को क्लियर रूप से पहचानना है कि मेरे को अचीव क्या करना है, उसके ऊपर आपको काम करते रहना है, ठीक है। दोस्तों तीसरा रूल है आर्ट ऑफ प्लानिंग। दोस्तों अगर आप अपने टारगेट को जल्दी अचीव करना चाहते हैं तो आपको आर्ट ऑफ प्लानिंग सीखना पड़ेगा। दोस्तों आर्ट ऑफ प्लानिंग ये होता है कि अपने काम को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसे 1 नंबर में रखो और उसे आपको किसी भी हालत में कंप्लीट करना ही करना है। आपका कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले आपका जो 1 नंबर में उसको आपको कंप्लीट करना है। दोस्तों सेकंड नंबर पे आप उस काम को रखिए जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपको कोई अर्जेंट काम लग गया तो उस काम को अगर नहीं भी कर पाए तो आपको टारगेट में उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो आप फर्स्ट नंबर पे रखे हो उस काम को आपको हर हालत में करना है, कभी भी करना है बट करना है। और जो दोस्तों आप सेकंड नंबर पे रखे उसको तो करना है बट आपको कोई ऐसा काम आ गया जिसको आप नहीं करेंगे तो वो काम नहीं होगा, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, लेकिन डेली नहीं। ये नहीं कि आप आज इसको अवॉइड कर दिए, कल भी कर दिए, परसों भी कर दिए, तो फिर आप
आपका कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों थर्ड नंबर पे आप उस काम को रखिए जो इम्पोर्टेंट है, बट आज आप किसी कारणवश उस काम को नहीं कर पाए तो कल भी करेंगे तो वो काम चलेगा। आपको डेली इसको प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, अगर आप प्रोकास्टिनेट कर दोगे तो फिर आप प्रोकास्टिनेट करते रह जाओगे। तो ये मत समझिएगा इसको थर्ड नंबर में रखें यार इसको नहीं करेंगे तो चल जाएगा, नहीं चलेगा भाई। अगर आप उस काम को नहीं करोगे तो आपका एक डेली कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि आपको तो करना है सिर्फ 3 months के लिए। इस 3 months में आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, इस 3 months को अपने लाइफ का सबसे बेस्ट मंथ बनाने के लिए। दोस्तों फोर्थ नंबर पे आता है तुम्हें एक डेली साइट स्किल्स पर 2 या उससे ज्यादा घंटों तक काम करना है। जी हां दोस्तों मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हो लेकिन उसके अलावा आपको 2 घंटा अलग से निकालना है और आपको एक अलग स्किल पर काम करना है, क्योंकि अगर आप एक साइड स्किल्स पर काम करेंगे तो आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि आपको एक अलग प्रकार का स्किल सब सीख चुके होंगे। एग्जांपल लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया, थंबनेल मेकिंग हो गया, सेलिंग स्किल्स हो गया, कम्युनिकेशन स्किल एटेक्स्ट्रा, ऐसे बहुत सारी स्किल है जिसमें आपको सिर्फ एक स्किल चुन के उसमें आपको 2 घंटा या फिर उससे अधिक घंटों तक आप दे सकते हो, जिससे आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगी और आगे जाके आप उस स्किल्स पर करियर भी बना सकते हो और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा एडवांटेज हो सकती है अगर आप स्किल्स को बेहतरीन बना लोगे तब। लेकिन आपको बनाना है क्योंकि आपको इस 3 months में एक स्किल्स तो बेटर करना ही करना है। दोस्तों फिफ्थ नंबर का हैबिट ये है कि अपने फोन चलाने का टाइम आपको फिक्स कर लेना है। जब आपका फोन चलाने का टाइम ना हो तो अपने फोन को अपने पास से दूर रखना है, नहीं तो फोन एक ऐसा चीज है जिससे आपका टाइम कैसे पार हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए आप अपने फोन चलाने का एक टाइम बना लीजिए कि मेरे को इस टाइम में फोन चलाना है, और जिस टाइम आपका फोन चलाने का टाइम ना हो उस टाइम अपने फोन को अपने से दूरी में रखें, नहीं तो आपका बार बार मन करेगा कि थोड़ा सा मैं चला लेता हूँ उसके बाद में फिर अपने टारगेट पे काम करोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप फोन चलाने स्टार्ट कर देंगे और आपका कब भी 1 से 2 घंटा पार हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने फोन चलाने का टाइम और अपने टारगेट पे काम करने का टाइम फिक्स कर लीजिए, लेकिन जिस टाइम आपका फोन चलाने का टाइम है उस टाइम अपना फोन चलाइए आप, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस टाइम आपका फोन चलाने का टाइम नहीं है उस टाइम में आपको हरगिज फोन नहीं चलाना है, क्योंकि आज के 99% युवा फोन के ट्रैप में फंस चुके हैं। वो अपने फोन को अपने पास से दूरी में रख ही नहीं पाते हैं क्योंकि उसको बार बार नोटिफिकेशन चेक करने की आदत हो गई है, आदत से मजबूर है। लेकिन आपको इस आदत को धीरे 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 छोड़ना है, तभी आप अपने टारगेट पे सही ढंग से काम कर पाएंगे विदाउट डिस्ट्रैक्शन। 6th नंबर के रूल में आता है डेली आप अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स करो। जी हां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कि आप कब सोते हो कब उठते हो, आपका एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए। ये नहीं कि जब आप जब मन तब आप सो जाते हो जब मन तब आप उठ जाते हो, आपका कोई शेड्यूल नहीं है। आप कब सोते हो कब उठते हो उसका एक्यूरेट टाइम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सोने और उठने का टाइम फिक्स नहीं है तो आप अपने टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाओगे। तो आपको आज से ये करना है कि आपको सोने का टाइम फिक्स करना है कि मेरे को इस टाइम तक सो जाना है, और आपको उठने का भी टाइम फिक्स करना है कि मेरे को इस टाइम तक उठ भी जाना है। दोस्तों 7th रूल में आता है डेली एक्सरसाइज। जी हां दोस्तों कुछ भी हो जाए लेकिन आपको 45 मिनट वर्कआउट करना ही करना है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा तो आप अपने टारगेट पे काम भी नहीं कर पाएंगे और जितना भी आप रूटीन बनाएंगे सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप अपने टारगेट पे सही ढंग से तभी काम कर पाओगे जब आपका शरीर आपको साथ देंगे। तो सबसे पहले आपको 45 मिनट डेली वर्कआउट करना है, उसके बाद आपको डेली 3.5 से 4 लीटर तक पानी पीना है, क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। आपको इस बात को समझने की जरूरत है, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मच इंपॉर्टेंट योर बॉडीज हेल्थ। दोस्तों 8th नंबर पे आता है नेवर गिव अप एटीट्यूड। जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ नेवर गिव अप एटीट्यूड। अगर आप अपने टारगेट पे काम कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप अपने हिम्मत को मत हारिए। आप उसको देखिए कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिसके कारण मुझे रिजल्ट नहीं मिल रही है। अब वीक में 1 time अपने आप को सेल्फ एनालाइज कीजिए कि मैंने इस सप्ताह में क्या काम किया, थोड़ा सा मैं क्या इम्प्रूव कर पाया कि नहीं कर पाया। अगर आप थोड़ा सा भी इम्प्रूव नहीं किए तो इसका मतलब है कि आप अपने टारगेट पे अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, और इससे आपके कॉन्फिडेंस में आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होगा। लेकिन तभी काम आती है नेवर गिव अप एटीट्यूड। दोस्तों 9th नंबर रूल में आता है हैबिट ट्रैकर। जी हाँ दोस्तों आपको एक हैबिट ट्रैकर बनाना है। आपने पूरा दिन में क्या क्या काम किया, किस किस काम को आपने कंप्लीट किया, उसमें आपको टिक लगाना है। दोस्तों 10th नंबर पे आता है कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो इसी चीज को लेकर श्री कृष्ण भगवान ने एक श्लोक कहे हैं, कर्मण्येवाधिकारे अस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेत हेतुर्भो मार्ते संगो स्व कर्मणि। इसका मतलब होता है कि आप अपने कर्म पे ध्यान दें, फल की चिंता मत करें, और यह 100% श्योर है कि अगर आप अपने कर्म में 100% दे रहे हैं तो आपको 100% फल मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों ये प्रकृति का नियम है कि आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेंगे। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेंगे, अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो आपको बुरा ही फल मिलेंगे। अगर आप अपने काम को ऑनेस्टी के साथ करेंगे तो आपको एक ना एक दिन इसका रिजल्ट जरूर मिलेगी। तो दोस्तों आपने अगर ये 10 रूल को फॉलो कर लिया तो आपको इस 3 months में अपना बेस्ट वर्जन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस 90 डेज का चैलेंज मैं भी ले रहा हूँ और इस 90 डेज का चैलेंज आपको भी लेना है, क्योंकि हम लोगों को साथ ही इस 90 डेज में अपने आप का एक बेस्ट वर्जन बनना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे और आपके
लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड हुए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर देना ताकि उसका भी लाइफ एक सही डायरेक्शन में जाए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।